यहाँ पर कुछ हमें आंकड़े दिए हुए हैं, तो इस आंकड़ों में हमें पता करना है कि कौन कौन से रंग ऐसे हैं जो 55% कुल बिक्री देंगे, यानी जो बिक्री 100% है उसमें से 55% हमें बिक्री देंगे। तो कौन कौन से रंग है यहाँ पर, तो इसको जूम करके देख लेते हैं कि कौन कौन से रंग हैं। तो इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे कि यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि ब्राउन, ब्लैक और रेड और गोल्डन, ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्डन, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर ब्राउन, ब्लैक, तो ये 8% होगा दोनों, फिर रेड 28% और ग्रीन 8 और जुड़ देंगे, तो यानी ये 55% नहीं दे रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, दूसरे ऑप्शन में है ब्लू, ग्रीन, गोल्ड और ब्लैक और रेड, तो ये ऑप्शन देखते हैं ब्लू, ग्रीन, गोल्ड, ब्लैक और रेड। तो ब्लू क्या है, ब्लू 12% दे रहा है, ग्रीन तो 12 8 20, ब्लैक 25 और गोल्डन 25 10 35 और रेड 20, यानी 35 20 55, तो ये 55% दे रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी सबको जोड़कर जो देख लेते हैं 55% कौन कौन से कलर बना रहे हैं वो हम आंसर में रख देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी जो 55% बना रहा होगा। दूसरा है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो गाड़ियों में स्पीड मापने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो स्पीड मापने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडियोमीटर है, तो ऑडियोमीटर स्पीड मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहां पर ये जो ऑडोमीटर है ये यहां पर क्या है, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए उपयोग किया हुआ है, तो ऑडोमीटर एक उपकरण है जो गाड़ियों में डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे पुल, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे नुकसान पहुंचता है, तो जंग से नुकसान पहुंचता है, जैसे पुल में जंग लग जाती है, लोहे के या जंगलों में या धातुओं में जंग लग जाती है उसे नुकसान पहुंचता है, और जंग किसी की वजह से लगती है, एसिडिटी की वजह से जंग है लगती है, तो ये जंग से नुकसान पहुंचता है, कोरिजन से सभी को नुकसान है पहुंचता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, हाई टेम्परेचर, इसकी वजह से सितारों में प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म स्टार बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो वो कौन सा ऊतक है, गर्भनाल ऊतक है, जिसमें जिसकी वजह से भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। एक व्यक्ति कोई वस्तु 1500 रुपए में खरीदी है और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम कैसे निकालते हैं, 12% लाभ पर बेच दिया तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1500 रुपए की कोई वस्तु है और उसको 12% लाभ पर बेचा है तो हम क्या करेंगे, 112/100 कर देंगे डायरेक्ट, 112/100 करते ही हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 × 2 = 30, असल लगी 3, 15 × 15 = 18, असल लगी 1, 15 × 15 = 16, तो ये आ जाएगा 1680 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता बारियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अमित त्रिपाठी थे। कुछ कथन दिए हुए हैं, उनको सत्य मानते हुए हमें कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है, इसके बारे में हमें
बताना है। जैसे सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, यानी जो परिश्रम करते हैं, जितने भी लोग परिश्रम करते हैं वो परीक्षा में सफल होते हैं, और सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं, और जो भी परिश्रम करते हैं छात्र वो अच्छी तरीके से सोते हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इन दोनों को हमें सत्य मानना है। तो एक पहला निष्कर्ष ये रखा है, वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं, तो जो अच्छी तरह सोएंगे वो परिश्रम छात्र होंगे तो ये जरूरी नहीं है, जो परिश्रम नहीं करते वो भी अच्छी तरीके से सो सकते हैं। दूसरा है, वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से होते हैं, तो ये निष्कर्ष सही है, जो व्यक्ति परीक्षा में सफल होते हैं वो अच्छी तरह से होते हैं, क्योंकि परिश्रमी छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं, और वही वही परीक्षार्थी हैं, सभी परीक्षार्थी हैं अच्छी तरीके से, जो परिश्रमी छात्र हैं वही सोते हैं, तो इस वजह से इसका कथन सेकंड है, वो सही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, इसमें ना तो निष्कर्ष वन निकल रहा है ना ही निष्कर्ष टू निकल रहा है। ये क्यों नहीं निकल रहा है निष्कर्ष वन और टू, क्योंकि इसमें ये दे रखा है कि सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, लेकिन यहां पर ये दे रखा है कि वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं, तो सोने वाले परिश्रमी नहीं होते, या इसको इस तरीके से देखें, सभी परिश्रमी छात्र सफल होते हैं, तो परिश्रमी छात्र सब परीक्षा में सफल होंगे, और सभी परिश्रमी है वो क्या है, अच्छी तरह से होते हैं। इसमें कनेक्शन देखते हैं कि इन लाइनों का इनके साथ क्या कनेक्शन है, वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं, जो अच्छी तरीके से सोंगे वो परिश्रमी छात्र होते हैं, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि परिश्रमी छात्र सफल होते हैं और परिश्रमी छात्र सोते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सोने वाले परिश्रमी छात्र होंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, निष्कर्ष वन भी नहीं निकलेगा। दूसरा क्या है, वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं वे अच्छी तरीके से सोते हैं, तो परीक्षा में सफल होते हैं भी अच्छी तरीके से होते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो परीक्षा में सफल होते हैं वो परिश्रमी छात्र होते हैं, तो यहां पर ये होना चाहिए वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं परिश्रमी होते हैं, तो फिर ये सही हो जाता, लेकिन अच्छी तरह से होते हैं क्योंकि अच्छी तरह तो वो भी सोते हैं जो असफल होते हैं, इसलिए दोनों निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं। अब निम्न में से कौन सा विकल्प है जो दर्पण प्रतिबिंब को दिखाता है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और ऊपर का नीचे हो जाता है, बाकी चीजें सेम रहती हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट का राइट हो जाएगा, ऊपर से नीचे होगा, तो लेफ्ट का राइट ऊपर से नीचे में क्या है, ई इधर चला जाएगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा ये याद रखना ई है इधर की साइड चला जाएगा, यानी ई इस तरीके से हो जाएगा, और एस है इधर की साइड चला जाएगा, यानी कि जो एस है वो इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या है, इसके बाद में L है, तो L क्या है, लेफ्ट राइट हो जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाता है, तो ये नीचे है तो लेफ्ट राइट हो जाएगा इस तरीके से, तो ये L है इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। फिर I है, I ऊपर नीचे सेम रहेगा, और M है, M क्या लेफ्ट का राइट होगा, तो M किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा M, तो ये दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, ऊपर का नीचे नहीं होता, यानी माथा है, जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा माथा पैरों की साइड नहीं जाता, यानी सर है पैरों की साइड नहीं जाता है, या पैर है सर की साइड नहीं जाता है, इस वजह से दर्पण प्रतिबिंब हमेशा लेफ्ट से राइट होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा।
तो ये ऑप्शन है सी, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसमें। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल ओले रंग की गैस का नाम क्या है? तो जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो उससे क्या निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट जो स्क्वैश खिलाड़ी है, स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? तो इनमें से जो खिलाड़ी है वो कोनेरू हम्पी नहीं है, बाकी अनाका, अलान कमोनी, दीपिका पल्लीवल, जोस्ना चिन्नप्पा, ये सभी क्या है महिला एथलीट से स्क्वैश खिलाड़ी है। फिर है कि हमें जैसे ये क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें इस बिंदु के सारे क्षेत्र को मोड़ते हैं तो हमें आकृति है किस तरीके से दिखाई देती है? तो बिंदु के सारे जैसे हम इसे मोड़ते हैं तो आकृति किस तरीके से बनेगी? बिंदु के सारे जैसे ही हम इस पन्ने को मोड़ते हैं तो ये जो पन्ना है कि जो लाइन है ये किस तरीके से आ जाएंगे? ये लाइन है यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगी, ये वाली लाइन है यहाँ पर आ जाएगी मोड़ के के बाद में, और एक लाइन है यहाँ पर आ जाएगी मोड़ने के बाद में। तो हमारे पास में मोड़ने के बाद में आकृति कैसी बनेगी? फोर्थ नंबर टाइप में आकृति बनेगी, यानी ये वाली जो आकृति है ये हमारे पास में बनेगी। तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं तो लिथियम पहला धातु तत्व है। एक ग्लास में रखा, पानी से भरे एक ग्लास में रखा नींबू ग्लास की बगल में देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से कोई भी चीज है वो हमें ग्लास के अंदर है बड़ी चीज दिखाई देती है। तो ये ग्लास प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण होता है। ये है 5776 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो जैसे कि ऑप्शन में देखते हैं, जैसे 66 है तो 66 का अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 66 का वर्गमूल निकाल सकते हैं तो 6 का 36 हंस लगेगी 3 और 36 दुनी 72 375 हंस लगेगी 7 और 36 और 7 43। तो ये तो आंसर आ रहा है हमारे पास में 66 का, और ये हमारे पास में ऑप्शन क्या है? 5700। तो 66 64 हो नहीं सकता तो 84 और 76 में से एक होगा, तो 84 के अंदर देखें तो 84 का 6400 पहुंच रहा है, वैसे ही हम देख लेते 80 6400 पहुंच रहा है तो 8400 भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? 76 होगा। 76 का निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि 6 की 36 आ जाएगा, हासिल 3 लगेगी, 7 6 की 42 42 दूनी 84 84 3 85 84 और 3 87 तो आंसर लगेगी 8 और 7 49 49 8 57 तो ये आ जाएगा 57 76। तो इस तरीके से हम 76 का निकाल लेते हैं। निकालते कैसे हैं कि पहले इसका वर्ग कर देते हैं, यानी इसका वर्ग कितना आ रहा है? 36 आंसर लगेगी 3। 2 से इस संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 42 दूनी 84 84 3 87 आंसर लगेगी 8। फिर इसके वर्ग में 8 को जोड़ देते हैं, यानी 49 के वर्ग में 8 को जोड़ दिया 57, तो 57 76 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब उस फिल्म में पूर्णा के निर्देशक कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की
पूर्णा मालावत की कहानी को दर्शाती है। तो राहुल बोस थे और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की है पूर्णा मालावत। निम्न में से कौन से यौगिक डबल बॉन्ड हैं? तो डबल बॉन्ड कौन से यौगिक में अंदर होते हैं? एथीन में होते हैं। तो क्योंकि मेथेन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, मेथीन यानी एल्केन, और एल्किन के अंदर डबल बॉन्ड, और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन क्या है? एथीन आ जाएगा, मेथेन एथेन, और मेथीन एथीन, इस तरीके से आते हैं। तो सिंगल बॉन्ड होते हैं एल्कीन, डबल बॉन्ड होते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एल्काइन। उसके बाद में है अलग प्राणी कौन सा है इस श्रृंखला के अंदर? तो कछुआ, केकड़ा, मेंढक और मछली। तो इनमें से अलग प्राणी है वो कौन सा है? तो कछुआ पानी और स्थल में रह सकता है, मेंढक भी पानी और स्थल में रह सकता है, केकड़ा भी पानी और स्थल में रह सकता है, लेकिन मछली पानी और स्थल में नहीं रह सकती, बिना जल के पानी है, बिना जल के है मछली है, मर जाती है। तो इस वजह से ये ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में हम देखते हैं ये तर्क दिए हुए हैं पर विचार करके हमें इसमें कौन सा अनुमान है वो लगाना है। एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें। तो ये उन्होंने चुनाव के समय कहा था कि पिछले 5 वर्षों में कीमतों में वृद्धि को देखें, तो इसकी क्या मान्यता हो सकती है? इस बार हमारे दल को सत्ता का मौका दें, दूसरा यदि हम आप सत्ता में यदि आप सत्ता के लिए इसी दल को दोबारा चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों स्टेटमेंट सही से लग रहे हैं यहाँ पर, दोनों ही नियत है, क्योंकि ये लाइन कहना चाह रही है कि अगर आप इसी को वापस से जिताएंगे या इसी सरकार को वापस से चुनेंगे तो कीमतें बढ़ती रहेंगी, और अगर हमें आप सत्ता का मौका देंगे तो हो सकता है कीमतें घट भी जाएं, तो आप हमें एक बार हमारे दल को सत्ता का मौका दें। ये दोनों ही बातें इसी में निहित हैं। फिर है सैनिक ने 2:39:40 एक बल्ब को स्विच ऑन किया और उसी दिन इसको 12:30:34 पर से बंद कर दिया, तो बल्ब कितने समय तक जलता रहा? तो 2:39:40 पर ऑन किया था, 12:30:34 पर बंद कर दिया। तो यहां पर हम देखें कि 2 बजे से 12 बजे के बीच में कितने घंटे हो रहे हैं? टोटल 10 घंटे हो रहे हैं, लेकिन ये 39 मिनट पे चालू हुआ है और ये 30 मिनट पे बंद हुआ है। अगर ये 12:39 होता तो ये कितने घंटे हो जाते? टोटल ये हो जाते 10 घंटे, लेकिन ये 10 घंटे नहीं होकर 9 घंटे के आसपास होगा, तो 10 घंटे भी नहीं होगा, 12 घंटे भी नहीं होगा, 6 घंटे भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 9 घंटे के आसपास होगा, 9 घंटे के आसपास, एक ही ऑप्शन है, 9:50 और 54 सेकंड। तो ये हमारा आंसर होगा। उस रूसी रासायनिक का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। तो उस रूसी वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उस रूसी वैज्ञानिक का नाम है मेंडलीव, जिन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। नेम ऑफ रूसियन केमिस्ट हु स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। बायोगैस या बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो ये बायोमास और बायोगैस है, ये एनारोबिक फर्मेंटेशन से ये बायोगैस और बायोमास है प्राप्त होती है, अवायवीय किण्वन विधि से। विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहाँ खेला गया जिसमें विश्वनाथ आनंद ने अपना टाइटल पुनः प्राप्त किया है? तो विश्व रैपिड फायर शतरंज चैंपियनशिप 2017 है, ये खेला गया है रियाद में। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसमें से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो है एथाइन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ये संकेत है, ये किसको द्वारा? विद्युत बल्ब का संकेत है ये हमारा, और
तो निम्न में से कौन सी संख्या है वो संयुक्त संख्या नहीं है, तो ये 109 है, ये संयुक्त संख्या नहीं है। तो ये हम देख लेते हैं कि संयुक्त संख्या क्या होती है, उसी से हम ये चेक कर लेते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, तो ये 1911 में स्थानांतरित की गई थी। एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई हैं, यदि एक किताब ऊपर से 18वें नंबर पर है और नीचे से 5वें स्थान पर, तो कुल किताब कितनी होंगी, 18 5 23, तो कुल किताब कितनी होंगी, 22 होंगी, क्योंकि एक किताब को यहां पर दो बार गिना गया है। अब यहां पर हमें कुछ बातें सच माननी है जो दी हुई है, और उनके अनुसार हमें आंसर देना है। परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गई, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए, तो ये गलत बात है, अपने वाहन खरीदेगी तो भी हड़ताल जारी रहेगी और सरकार को नुकसान होगा। हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मोल तोल करना चाहिए, ये बात सही है, तो इसमें निष्कर्ष क्या है, सेकंड निकलता है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड ही यहाँ पर काम कर रहा है। आदित्य को एक परीक्षा में 48% अंक प्राप्त हुए, यदि वह 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम कितने अंक हैं, तो इसका मतलब है कि 78% का मतलब है 663, यानी किसी इंसान को यहां पर मिले हुए हैं 78% अंक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 78% का मतलब है 663, तो 100% का मतलब क्या होगा, 100% का मतलब यहां रखेंगे तो 100% मतलब कि 100/78 आ जाएगा, तो ये 13 से काट देंगे, 13 6 78, तो ये हो जाएगा 5100 कट जाएगा, फिर 6 से इसको काट देंगे, 8 6 48 और 8 45 यानी 850, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 850। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर मील लंबा दर्रा है, अमेरिका क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है, आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा, तो ये बोस्टन शहर में मिलेगा। फ्रीडम ट्रेल 2.5 मील लंबा दर्रा है, कार गैराज से वैसे संबंधित है, तो जैसे मुर्गी, तो कार में गैराज, कार को गैराज में ठीक करवाते हैं, तो मुर्गी से क्या संबंधित है, पिंजरा, मुर्गी को पिंजरे में रखते हैं, कार को गैराज में रखते हैं, तो मुर्गी को कैसे रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं। यदि कोई शब्द है जैसे यूनिवर्सल अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया गया है और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर की बाईं ओर उसके उनके स्थान के अनुसार 1 2 3 का संख्यात्मक मूल्य निर्धारण किया गया है, तो स्वरों के स्थान के संख्यात्मक मूल्यों को जोड़ कितना होगा, तो स्वर कौन कौन से हैं, यहाँ पर स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, 3, तो इनका संख्यात्मक मूल्य आई का कितना है, 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आई का मूल्य, तो आई का मूल्य कितना है, 9 है। फिर ए ई आई ओ यू, एक आई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, 5, तो 9 5 14, फिर एक, और यू का मतलब क्या है, 21, तो यू क्या है, 21 पर है, 21 और 9 30, और ए 31, इसके बाद में है कि 16 28 और 42 का लैसे क्या होगा, लैसे क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू जिनमें सबका सबका भाग दे सके, तो लैसे कैसे निकालते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 8 × 2 या 4 × 4 भी लिख सकते हैं हम 16 को, इसका मतलब क्या है,
16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। फिर 28 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी 4 × 7, इसे 28 लिख सकते हैं। फिर 42 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 तो 2×21 लिखना होगा, तो 2×7×3 लिखना होगा हमें, इस तरीके लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है, 2 की पावर 4 तो कॉमन है यानी 16 तो हमें मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो 16 तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा यानी 21 से और मल्टीप्लाई करना होगा। 21 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 16 एकम 16, आंसर लगे 1, 16 दूनी 32 और 1 33, तो 3 3 6 से हमारे पास में आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंद का अनुपात 4:9 है। यदि बैग में 6 हरे रंग की बॉल को और मिला दिया जाए तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंद का अनुपात है 1/3 हो जाता है। तो बैग में कितनी लाल गेंदे हैं, तो ये हमें निकालना है कि बैग के अंदर कितनी लाल गेंदे हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले अनुपात था 4:9, यानी मान लेते हैं हम एक्स लाल है और बाई हरी है, तो ये लिख लेते हैं कि एक्स लाल है हमारी और बाई गेंद हरी गेंद है, तो इनका अनुपात वर्तमान में कितना है, 4:9 है। इसका मतलब क्या आ गया कि 9x-4y=0, अब क्या करते हैं हम, इसमें हमने क्या कर दी है, 6 हरी गेंद और मिला दी है, तो लाल और हरी, लाल ये हरी है तो 2×6 आएगा, तो 2×6 आने की वजह से यहां पर क्या कर देते हैं, 6 और कर देते हैं, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, ये अनुपात कितना होगा, 1/3। अब इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, तो दोबारा सॉल्व करेंगे तो 3x-2y = -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x-y = -6, ये पक्षांतर में जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के लिए हमें ये दोनों कॉमन करने पड़ेंगे, कॉमन करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9x, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 3y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा -18। अब क्या कर देते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होने की वजह से -y आ जाएगा, और ये भी प्लस होने की वजह से क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 18 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 18 आने की वजह से अब क्या करते हैं, इसमें y की वैल्यू को 18 को फुट कर देते हैं, 18 × 4 = 72, 72 में 9 का भाग देंगे तो 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो बैग के अंदर क्या है, लाल गेंद कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी। किसी संख्या का 30% का मान 33 है तो वो संख्या क्या होगी, तो कोई संख्या के 30% का मान 33 है, तो इसका मतलब क्या है, हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान ले x है, इसका 30% का मान 33 है, तो इसका मतलब क्या है कि 33 × 100/30, तो कितनी आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास संख्या 110। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ये हमें निकालना है, तो कितने त्रिभुज हैं, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लाइनें देख लेते हैं कि त्रिभुज के अंदर 3 लाइनों की जरूरत होती है, और यहां पर कितनी लाइन है, ये 3 लाइनें हैं, तो इसके अकॉर्डिंग त्रिभुज को देखते हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल टोटल यहां पर आ जाएंगे 18,
तो ये एक फार्मूला है यहाँ पर त्रिभुज के नंबर ऑफ ट्रायंगल देखने के लिए इस तरीके के सर्किट में, तो किस तरीके से वो फार्मूला हम देखकर ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कितने होंगे, 18 होंगे। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है, 331 मीटर प्रति सेकेंड। द्विघात समीकरण रखिए x²-4x+k = 0, तो मूल है इसका 3, तो 3 होने पर या फिर क्या हो जाएगा 9-k 12, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो इसका मतलब एक मूल 3 है तो इसमें 3 इसको रख देते हैं, तो 3 रखते ही क्या हो जाएगा 9-k 12, तो 9-k 12 होते ही कितना हो गया, -3 आ रहा है, यानी कि k की वैल्यू क्या है, प्लस का 3 है, k की वैल्यू प्लस का 3 है, उसी के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 1 भी रख देते हैं, तो 1 और 3, तो एक्स की वैल्यू दूसरी क्या होगी, 1 होगी। फरवरी 2018 में केरल के मुख्यमंत्री, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनारगी विजयन, तो ये पिनारगी विजयन है केरल के मुख्यमंत्री फरवरी 2018 के अंदर। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो ये प्लाज्मा है, भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन है, ये प्लाज्मा है, करता है। फिर है मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा, तो मार्च 2020 को दिन कौन सा होगा, तो मार्च 2020 को हम निकालें तो वो दिन होगा मार्च 2020 को वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, या फिर ऐसे निकालें कि 2020 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 2019 तक हमें निकालना पड़ेगा, तो 2019 तक हमें निकालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, हमें 2016 तक तो कोई चिंता कर, 2019 तक निकालना पड़ेगा। और फिर भी मार्च 2020 तक पहुंचना पड़ेगा, तो 2019 का कैसे निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम 20 तक पहुंच जाएंगे, तो 1600 तक तो हमें कोई चिंता नहीं है, फिर 1600 के बाद हमें 400 तक, एक यानी 2000 तक हमें कोई चिंता नहीं है, तो